अस्सलामुअलैकुम गाइस दोस्तों, मैं आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो आज का जो हमारा प्लान है वो प्लान है इसको शेड को उतारने का। अभी मैं जा रहा हूँ, तो काफ़ी लेट हो गया अजान हो गई दोपहर की, तो अभी मैं जा रहा हूँ बहनोई को लेने। फिर इंशाल्लाह अवेश भाई के पास भी चलते हैं, उनको भी कॉल कर दी थी मैंने, वो भी बोल रहे थे आके ले जाना। और इंशाल्लाह तो आज जो है हम वो इसमें से शहद निकालेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। लिए हम पहुँच चुके थे अवेश भाई के पास, लेकिन अवेश भाई जो है ना अभी वाली साहब को हैदराबाद के लिए लेकर गए, हैदराबाद छोड़ने के लिए। और ये देखिए आज माशाल्लाह से जो है ना दुकान की जो है ना सफाई चल रही है। ये देखिए धोई हैं हमारे मूसा भाई, ये सारी देखे धो के जो है ना उन्होंने रखी हैं अभी। और अभी जो है ना ये पीछे की जो है सीढ़ियाँ स्टेप जो है वो साफ कर रहे हैं, तो उन्होंने साथ रखड़ रहे थे, मैंने जैसे ही वीडियो ऑन करी तो उन्होंने छोड़ दिया। और कामिल भाई अभी मेरी बाइक लेके जा चुके हैं, और उनकी बाइक में पेट्रोल नहीं था तो पेट्रोल लेकर आते हैं वो अभी। तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं कल्ले की तरफ, तो फिर वहाँ से बहनोई को उठाते हैं, और फिर जो मैंने आपको बताया था शहद का उनसे पूछते हैं क्या सीन है, अगर वो उतारते हैं आज नहीं क्या सीन है तो वो बताते हैं। और बाकी अवेश भाई भी आएंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी वो गए हैं तो उनको तकरीबन एक डेढ़ घंटा लग जाएगा वापसी आने में। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक में। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं भैंस कॉलोनी, तो कामिल भाई मुझे पकड़ के ले आए थे, बोले थे आज तुम्हें अगर कोई काम नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। तो कहें जो है ना वो दूध भी लेना था इनको यहाँ से, तो अभी देख रहे हैं हम लोग बच्चे, ये बच्चा है इसके मांग रहे हैं फाइनल 25, और इसके मांग रहे हैं रेड वाली के फाइनल 45। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह कि क्या सीन बनता है, लेकिन कामिल भाई का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है में से पांडा देने का, ठीक है, वो अभी पालने का सीन है। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या सीन है, और माशाल्लाह उसको चेक करें। माशाल्लाह जानवर जो है ना माशाल्लाह से बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है ना। और मेरा तो बहुत कम समझो, एक टाइम के बाद जो है ना मेरा जो है ना यहाँ पर आना हुआ है भैंस कॉलोनी ना, फिर मैं ज़्यादातर जो है ना आउटसाइड्स पे होता हूँ तो लोकेशंस वगैरह पे, तो इसलिए मेरा आना जाना होता नहीं है इधर इतना, तो इसलिए ये चेक करें। मुझे ही घूर रही है तस्वीर में, वीडियो देख रही है क्या कर रहा है ये बंद मारेगा तो नहीं ना भाई, नहीं मारेगी नहीं, ठीक है फिर दिखाते हैं इंशाल्लाह आगे आगे क्या सीन है। भाव आ गए हैं आगे, और ये तो भाई ऐसे घुरा घुरा आगे देख रहे हैं दोनों, ऐसा लग रहा है मैं जो है ना इनको अभी लेके जाऊँगा, और जो है पास भी जाऊँगा तो टकरे मार देंगे, अल्लाह खैर करे। कामिल भाई शरीफ है, ये लग नहीं रहे मेरे को वैसे शरीफ, वो दूध वाली। अच्छा साइड पे जो सारी गायें लगी हुई दूध वाली, और माशाल्लाह चेक करें उस साइड पे, सही दिख नहीं रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ हर दिख गया, ये चीज़ चेक करें माशाल्लाह। ये दोनों बैल बड़े प्यारे लग रहे हैं, दोनों काफ़ी सारे बेटे में, ये काफ़ी प्यारे बैल बैठे हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। तो अभी बनाने में लगे हैं सोलह, देखते हैं कामिल भाई का क्या सीन बनता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन ये देख के ना आपके भाई का भी दिल हो गया है कि एक बच्चा रखना है, लेकिन मैंने लेना भी है, वो लेना है सीन पे कि मैं कोशिश में लगा हूँ कि मेरी बेटी की आ रही है सालगिरह, लेकिन हम सालगिरह नहीं करेंगे। ये मैंने बोला था कि पहला जो है ना हम इंशाल्लाह टीका ही करेंगे, तो उसके लिए भी देखनी है मैंने बेटी के लिए भी, तो बाकी भी कामिल भाई के लिए देखते हैं, कुछ समझ में आ गया अच्छा लगा तो इंशाल्लाह अपने लिए भी ज़रूर देखेंगे। फिर मिलते हैं आगे।
feel like rain in the morning, giving me mixed emotions. And it's too much sometimes, mix the potion. Mix it up, girl, put it in motion. Are you fighting or dying? It's no compromising. Make up your mind, we're running out of time. It's so hard to try, but it feels inside it. Just make up your mind, lay it all on the line. So deep in it that I can't see the bottom. So deep in it that I can't see the bottom. Pulling your thorns out my clothes, your poison is spread to my soul. You say you love me one day, next you don't. आज हम लोगों ने उतार लिए शेर का छत्ता और ये इसका नीचे का पार्ट है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत है शहद ना, ये नीचे का पार्ट है और बाकी जो निकला है वो जितना निकला है बनाना ये इतना सारा निकला है, ये थोड़ा सा निकला है क्योंकि छोटी से छोटा सा लगा हुआ था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसमें से ये निकला है शहद और अब इसको इसके अंदर से निकालते हैं शहद, वो प्रोसीजर भी दिखाते हैं आपको। गाइस हम लोगों ने शहद निकाल लिया है और शहद निकला है इतना सा, बस इससे ज़्यादा नहीं निकला क्योंकि वो था छोटा सा था तो उसमें ज़्यादा निकल नहीं सकता था। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ वही मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने शहद तो निकाल लिया लेकिन मक्खियाँ दोबारा उधर वापसी लग गई, यानी कि एक दफ़ा और हम लोग शहद निकाल सकते हैं उसमें भी इंशाल्लाह। तो फाइनली गाइस आज सारे गांव में निकाल दिए हैं, आपको एस कॉलोनी दिखा दी, वहाँ पे जानवर जो थे वो भी दिखा दिए। अच्छा, जानवर कुछ पसंद आए हैं, मतलब बच्चे ही पालने के हिसाब किताब से, तो इंशाल्लाह जो है ना हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ले। लेकिन मसला हमारा जो है ना जगह का आता है, तो जगह जो है ना हमारे पास बहुत कम है, इस वजह से हम लोग अभी सोच नहीं रहा हूँ, मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ जानवर का। इंशाल्लाह वो भी करते हैं और बाकी आपको वो भी दिखा दिया कि शेर जो है ना मैंने किस तरीके से निकाला था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना मक्खियों ने एक दफ़ा भी नहीं काटा, ठीक है। और एक मक्खी ने ना बेगम के हाथ पे काट लिया यहाँ पर, वो पूरा सूजा हुआ, तो खैर वो कल तक ठीक हो जाएगा। वालदा ने उसी वक्त देख लिया था तो दम वगैरह कर दिया था, तो जो प्रोसीजर होता है उसका वो कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो साइड है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे डी एंड। सखावत खान को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और आप लोग लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें बस, और दुआएं कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।